हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मूली की परौंठा, मूली का परौंठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कनक की मूली की जो गेहूं के आटे की मूली की रोटी आपने बहुत दफ़ा खाई होगी। आज मैं आपको मक्की के आटे की रोटी का तरीका बताती हूँ, जो कि लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, पर कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और मैं बहुत आसान तरीके से आपको ये मूली का परौंठा बनाने का, मक्की का मूली का परौंठा बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले तो हमने छोटे पीसों में मूली काट लेनी है, और ये मैंने धोई है मूली, और इसको हम सबसे पहले हम ये मूली को हमने धोया है, इसको हम ग्रेट करेंगे। इसको छील रहे हैं, छीलने के बाद इसको हम ये कद्दूकस है, इसको इससे हम ये जो बड़े वाला ब्लॉक है, इससे हम इसको कद्दूकस करेंगे। इसको हम इससे लंबा लंबा ग्रेट करेंगे। इस तरह ये जो मैंने आपको करके बताया, इस तरह हम ये सारी मूली को ग्रेट कर लेंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने थोड़ा सा आटा बना के रखा है, और इसमें मैंने इस आटे में सबसे पहले मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन, नमक, मिर्च अपने अपने मुताबिक डालिए, जितना आप लाइक करते हो, जितना आप खाते हो। पर इसको गूंदने के लिए हमें बॉयल आटे की ज़रूरत है, और बॉयल आटे में ही इसको गूंदना है। पहले तो मूली के बीच में मेथी, ये मक्की का आटा मिक्स कर दीजिए। जैसे ये मैंने अभी ये मक्की का आटा इसमें मिक्स किया है, और इसमें अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमने मूली अभी ग्रेट की है, ये भी इसमें मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें हम सबसे पहले अजवाइन डालेंगे। ये अजवाइन को हम इसमें डालेंगे। अजवाइन से ये है कि हमें ये सूट करेगी और पेट हमारा ख़राब नहीं होगा। अजवाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पेट के लिए। तो और इसमें नमक मिर्च अपने मुताबिक आप डालना, नमक मिर्च और कसूरी मेथी, और ये इसके ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते भी मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से। तो इसको भी धो के डालना है आपने, बिना धोए कुछ नहीं डालना, क्योंकि आजकल खेत में पता नहीं कौन कौन सा वो छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए हम हर चीज़ धोने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। इसको हम थोड़ा सा गूंद देंगे, क्योंकि हमने आटा और मूली और मिक्स किया, वैसे मैंने पहले गूंद के रखा हुआ था। अजवाइन डालनी बहुत ज़रूरी है, और नमक मिर्च आप अपने पसंद से डालना। और एक और चीज़ आपको बतानी है कि जब आप चकला लें, तो इस पे फॉइल पेपर, क्लिंग फिल्म जो है वो मैंने बिछा दी है, ताकि हमारे जो चपाती है वो चिपके नहीं। आप कोई भी पॉलीथीन कोई भी बिछा सकते हो, जैसे ब्रेड का वो कवर होता है या कुछ भी होता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको बिछा सकते हो।
इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, एक चम्मच के करीब। ये हम ये एक पेड़ा करके आपको बता रहे हैं, ये मैंने दो पेड़े किए हैं। अब मैं आपको रोटी बेल के बताती हूँ कि कैसे इसको बेलना है। इसको कोई बेलने से नहीं बेलना, हमने अपने हाथ से ही इसको बनाना है। अभी मैं आपको ये बेल के दिखाती हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी लोग की लोग फर्स्ट टाइम झिझकते हैं कि मक्की की रोटी मूली वाली कैसे बनेगी, जबकि कनक की बनानी भी बहुत मुश्किल है। बाकी ये बात गलत है, मक्की की रोटी भी आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अब इसको हम इधर डालेंगे और ये तवे पे डालती है। ये दूसरी चपाती भी हम इसी तरह बेलेंगे जैसे हमने पहली बेली है। ये बेलने से नहीं बेली जाती, या तो आप हाथों की हथेली पे बेलें या तवे पे, जो चकले पे, ये कोई भी प्लास्टिक का कागज बिछा के, अगर आपके पास ये क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप कोई भी बिछा के तो सीख सकते हैं, बेल सकते हैं इसको। अब हम इसकी आराम से साइड पलटेंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि हमने पहले ऑयल बिल्कुल नहीं लगाया। तो ये धीमी आंच पे इसको सेकोगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही करारी बनेगी। आप, मुझे उम्मीद है कि इसको एक बार ज़रूर बना के देखोगे। मक्की की रोटी बनाना गेहूं के आटे की मूली वाली रोटी बनाने से भी ज़्यादा आसान है। तो आप सरसों के साग के साथ भी इसको खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, मक्खन के साथ खा सकते हैं, जो आपकी आपको अच्छा लगे। सर्दियों का मौसम आ गया है तो मूली की रोटी हर घर में ज़्यादा बनती है, पर लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। आज तो मैंने मक्की के आटे की आपको बना के दिखा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको कनक के आटे की, गेहूं के आटे की मूली वाली परौंठी बना के दिखाऊंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। अभी इसकी हम साइड पलटते हैं। हमने इसकी साइड पलटी है, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, और ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है जितनी की, और बनाने में भी मज़ा आता है। ये नहीं है कि बनाने में बहुत मुश्किल काम है, बनाने में बहुत ही आसान है।
अब फिर हम साइड पलटेंगे। अब थोड़ी सी आंच तेज कर लेंगे। आप ऊपर से चाहो तो दबा भी सकते हो थोड़ा थोड़ा। मैं इससे इसको थोड़ा थोड़ा दबा रही हूँ ताकि ये अच्छे से सीख जाए। इधर से भी हम दबाते हैं। ये परौंठी हमने एक बनाई है, मैं दूसरी आपको बना के बताती हूँ। ये जैसे चकले पे है तो हमने हाथ नीचे रखना है और इसको उल्टा देना। आइए डर दे, आपको लगा होगा कि ये जितनी मुश्किल लगती है उतनी मुश्किल है नहीं, बनाने में बहुत ही इजी है। और मैं समझती हूँ कि इसको हर कोई बना सकता है, पर इसको आटा गूंदने के लिए आपको सिर्फ गर्म तेज़ गर्म पानी लेना पड़ेगा, तभी आटा ये जुड़ेगा, नहीं तो ये आटा जुड़ता नहीं जल्दी से। और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मसाले डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। वैसे हमने मूली के पत्ते इसमें डाले हैं बारीक बारीक काट के। आप हरी मिर्च, नमक, मिर्च अपने मुताबिक, और अजवाइन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अब थोड़ी देर हो गई है डाले हुए, अब हम इसकी साइड पर रखते हैं। अब इस साइड में हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। ऑयल भी हम बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपको अगर ज़्यादा लेना है तो आप उसके बाद बटर भी ले सकते हैं इसके साथ। और वाइट बटर की तो बात ही क्या है, वाइट बटर के साथ भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर सरसों का साग हो तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है, फिर तो आप बहुत ही आपको पसंद आएगी। और मूली की रोटी मक्की वाली आप बनाना बहुत पसंद करेंगे। इसको हम ऊपर से दबाते हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये कितनी अच्छी बन रही है, और देख के ही इंसान के मुंह में पानी आता है कि भी खाने में कितनी कसा, कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी।
ये हमारी मक्की की परौंठा बन के तैयार है। मक्की का ये देखिए, ये किस तरह कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा बना है। जिसका ना भी मन करता हो वो भी खाएगा। ये हमने इसके साथ बटर भी रखा है, और इसके साथ खाने के लिए अगर योगर्ट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सरसों का साग है तो तब भी बहुत ही अच्छा है। मैंने सरसों का साग भी बनाया है, पर ये नाश्ते में तो हम लोग दही ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि दही भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है कि मेरी ये मक्की के परौंठे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर आए तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मक्की की परौंठी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, और कैसी आप बना के भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हफ्ते में अब 2-3 बार आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया करूँगी। पहले कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं इतनी देर डाल ही नहीं सकी रेसिपी, अब मैं ज़रूर डाला करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे हौसले को और भी बढ़ाएंगे और मेरी रेसिपी को ज़रूर देखेंगे और बना के भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।